सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंत पिता बाप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूँ पिता बाप, आज के इस महान वचन के लिए परमेश्वर, इस पावरफुल वर्स के लिए जो आज आपने हमें अपने दास के द्वारा दिया परमेश्वर। थैंक्स करते हैं पिता बाप इस वचन के लिए और इस वचन के फल के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, ये वचन उनके जीवन में सौगना फलों को लेकर के आए परमेश्वर, एक नई ताजगी को लेकर के आए परमेश्वर, आपका प्रकाश इनके जीवन में चमके परमेश्वर। जैसे कि आपके वचन में लिखा है, बट प्रकाश मानो को की तरह प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है परमेश्वर, इनका आपका तेज इनके ऊपर उदय हो परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और इनका अभिषेक कर परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा परमेश्वर, इनके हर एक जुए टूटे आज इस अभिषेक के ज्ञान के कारण परमेश्वर, आज इस वचन के कारण परमेश्वर, इनके हर एक जुए बंधन नाश हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, थैंक्स करते हैं पिता बाप आपका इस सुंदर वचन के लिए, पावरफुल वर्ड के लिए परमेश्वर, आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मांगते हैं परमेश्वर। जितना वचन ये सुने या पढ़े सौगना फलों को लेकर कहें, अंधकार की कोई सत्ता नहीं सकती इन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन अभिषेक ज्ञान देता है, जैसे कि एक यूहन्ना 2:20 में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको ईश्वरीय ज्ञान देता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में होगा तो आप अगर व्यापारी बनना चाहते हैं तो इस काम को करने के लिए आपको कहीं से भी कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मिस्र में अकाल पड़ा तो उस समय बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े बुद्धिमान राजा के पास थे, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ यूसुफ ही था जिसने राजा को सलाह दी कि राजा, इस तरह से हम सुकाल में जमा करके अकाल में अनाज को खा सकते हैं और लोगों में बेचकर अमीर भी हो सकते हैं। और यूसुफ जिसने पोतीपर की पत्नी के साथ सोने से मना कर दिया था, उसने पवित्रताई को नहीं छोड़ा, इसी कारण वह अभिषेक उस पर ठहरा रहा। शैतान ऐसे अभिषेक से डरता है क्योंकि उसको पता है कि मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की योजना को असफल कर सकता हूँ, उसे हरा सकता हूँ, लेकिन एक अभिषेक पाए हुए व्यक्ति को वह हरा नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति किसी ज्ञान या किताब के अनुसार नहीं चलेगा, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलेगा, जो अगुवाई उसको परमेश्वर के वचनों में बने रहने से, पवित्रता में रहने के कारण प्राप्त होती है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद जब युद्ध लड़ने जाता था तो वह परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं या न जाऊं? परमेश्वर उसको बोलता था कि जा, वह जाता था और जीतता था। थोड़े समय बाद जब फिलिस्तियों ने युद्ध छेड़ा तो दाऊद ने फिर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊं? तब परमेश्वर ने उसको बताया कि हाँ जा, पर इस बार दुश्मनों को पीछे से घेरना, और जब तुझे पत्ते की चर चर की आवाज़ सुनाई दे तो यह समझ लेना कि दूतों की सेना को मैंने तेरे आगे लड़ने के लिए भेज दिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो आपका अभिषेक किया है वह आपको सब बातें सिखाएगा, सेवकाई को कैसे चलाना है वह आपको सिखाएगा, व्यापार कैसे चलाना है वह आपको सिखाएगा। अगर इस अभिषेक की कमी एक पास्टर के जीवन में न हो तो कोई मायने नहीं करता कि अकाल पड़ा है या युद्ध हो रहा है, परमेश्वर आपको उस तरह इस्तेमाल करेगा और बड़े काम कर आपके द्वारा करेगा। यह अभिषेक जो परमेश्वर में पवित्रता के साथ चलने के कारण आपके जीवन में आएगा, वह आपको शैतान की योजनाओं से
भी सुरक्षित रखेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाएगी।